तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 3 दिन पहले मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके किड्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था। तो वो पूरा लाइव स्ट्रीम 50 मिनट का है। जैसे कोई आप लोग में से कोई वो वीडियो देखे और उसमें से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं उस सारे मेन क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनका एक हाईलाइट बना के वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी होगा। उस 50 मिनट के वीडियो में आपको ढूंढना ज्यादा आसान है या ये 10 से 12 मिनट के वीडियो में? तो बेसिकली ये जो पूरा वीडियो है ये पूरा उस लाइव स्ट्रीम का एक हाईलाइट है। लोग जाइए और वीडियो देखिए। सबसे पहले पूछा है कि भैया कॉलेज कब से खुलेगा, तो देख भाई अभी कुछ नहीं पता हम लोग का क्या होने वाला है। ज़्यादा टीचर माना जा रहा है कि ये सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही होगा। तो अभी सब टीचर सब बोल रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में पॉसिबल है, इस सेमेस्टर में तो कोई चांस नहीं है भाई। जब एक साल घर बैठे हो गया कॉलेज लाइफ क्या होगा? वही अब 1.5 साल होने वाला है घर बैठे बैठे कुछ भैया कैंपस में बाइक ले जाके घूम सकते हैं क्या? हाँ बाइक ये अलाउ है ले जाना कैंपस में, घूमने कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप कौन से कंपनी का मिलता है? हम लोग को तो लेनोवो मिला है पिछले इस हम लोग से पिछले वाले को HP मिला था और हाँ उसके अभी लेनोवो मिला हम लोग को। आप लोग की क्लास शुरू हो गई क्या? हाँ भाई हम लोग का क्लास कल ही से चालू हुआ है। कल से हुआ था। दो दिन हो गया है ना। आज तीसरा दिन है। अच्छा हाँ आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। आज थर्सडे हाँ कल का तो दिन काउंट नहीं हुआ यार, कल तो ओरिएंटेशन में बीत गया था पूरा दिन। पूरा दिन तो नहीं 3 घंटे आधा तो वही तो सब तो क्लास कैंसिल ही करवा दिया हम लोग में ओरिएंटेशन के नाम पे। फर्स्ट ईयर ऑनलाइन पे कैसा लगा बताओ? फर्स्ट ईयर कैसे लगा ऑनलाइन? मोड़ा भाई लगा भाई साहब, क्या क्या सोचे थे कॉलेज जाएंगे ये होगा वो होगा, कुछ नहीं घर में बैठो। इसको देख आशीष कृष्णा को देख चैट में लिख रहा है, चैट में लिखा भैया CS में फर्स्ट ईयर में कौन सा लैंग्वेज पढ़ना चाहिए? पढ़ाएगा तुमको सी, अब तुम्हारा मन तुमको सी अगर आता है तो दूसरा लैंग्वेज अपने से पढ़ो। रैंक रहता है तो हम लोग बता सकते थे कि कितना पे तुमको CS मिलेगा, ये वो काउंसलिंग के बाद बता सकते हैं। हाँ वो ये वाला होगा उसके बाद पता चलेगा, उसके बाद वो निकालेगा अपना रैंक। इस बार वो कर दिया ना कि ये लोग प्लेस परसेंटाइल, तो उसमें पता ही नहीं चलता कितना पे वो CS दे रहा। इस बार 4 बार तो एग्जाम ले रहा है। हाँ हाँ भाई कृष्णा देख ना लिखा है बानिक CS टीचर बहुत फ्रेंडली भाई साहब कृष्णा यही सब करे। अब जूनियर की रैगिंग लोगे और लैपटॉप में मैकबुक मिलने का क्या चांस है? भाई साहब तुम मैकबुक का सोच के बैठे हो कि तेरे को मैकबुक देगा कॉलेज? कोई कुछ नहीं है और रैगिंग हम लोग रैगिंग नहीं लेते, हम लोग रैगिंग नहीं लेते, मैं नहीं लेता हूँ, वैभव का नहीं पता। अरे तुम मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हो यार? CSE के बैच में टोटल 1800 के अप्रोक्स स्टूडेंट हैं इस ईयर। अच्छा टीचर का तो बताइए भैया, हंसकर चुप हो गए। देखो टीचर सब सही है, अब बस तुम पढ़ोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, टीचर सब सही मिलेंगे। टीचर का एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बता सकते, ऑनलाइन क्लासेस में सारे टीचर होती। अब हम ही लोग का देख, फर्स्ट ईयर में हम लोग को तो टीचर ऐसे ही मिले, सेकेंड ईयर में हम लोग को टीचर सिलेक्शन का भी दिया, लेकिन हम लोग ऑनलाइन में कैसे दूसरे टीचर के बारे में इतना अच्छे से जान सकते? 67% पे रिसेप्ट भी मिल गया CSE कोर का, तो फिर क्या एंजॉय करो और क्या चाहिए। हाँ वही तो आराम से हो, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, बस यहाँ पे बना दिया है कि सिस्टम कम्युनिकेशन और बस। जैसे इसका देख वैभव, हाँ इसका है ना 13 में डिजिटल, अभी सेकेंड ईयर में इसका एक लैब एक्स्ट्रा है, इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में लैब होता, हम लोग का खाली थ्योरी होता लैब नहीं, और इसका प्रोबेबिलिटी नहीं है चैप प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन था इसलिए वो आया।
शाउट आउट वाली शाउट आउट वीडियो। वाली वीडियो कब तक आएगी? हाँ मैं, अरे बना रहा हूँ आज, सोच रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, हम लोग का क्लास सुबह 9 बजे से शुरू होता है और ऐसे ही 2 बजे तक, 3 बजे तक, कभी कभी लगातार 9 से 5, बस 1 घंटे का ब्रेक वो होता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा सैटरडे संडे को वीडियो रिकॉर्ड करके मंडे ट्यूसडे तक अपलोड करने का। फर्स्ट सेमेस्टर नहीं रहता है हेक्टिक, लेकिन सेकंड सेमेस्टर थोड़ा लगेगा हेक्टिक। शेड्यूल सेमेस्टर कुछ भी हो, लेकिन वो हेक्टिक नहीं रहता है। हाँ, जिसमें केमिस्ट्री है, अगर केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री है, तब वो नहीं लगा था। हाँ जिसमें सी प्रोग्रामिंग रहेगा वो हेक्टिक नहीं रहता हाँ, लेकिन है, और जो, जिसमें सी प्रोग्रामिंग नहीं रहेगा उसमें हेक्टिक रहता है। हाँ वो बहुत यार, बताता हूँ, मेन है कि उसमें हमारा लैब बढ़ जाएगा, सुबह तुमको योगा करने उठाएगा। चौधरी 86 पर CSE कोर मिलेगा। हाँ भाई जरूर मिलेगा, जब 67 परसेंटाइल पे मिल रहा है तो। आपका फर्स्ट ईयर कब शुरू हुआ था, कब हाँ तो शुरू अक्टूबर में ये स्टार्ट हुआ, हुआ। अक्टूबर? नहीं 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 हम नहीं लोग का हुआ था हाँ, ये 15 सितंबर जो से, अक्टूबर। जो एकदम पहला ही डे, हाँ हाँ नहीं नहीं हमारा लास्ट डे हमारा 15 सितंबर। हुआ था, हम लोग लास्ट में हर जगह देख चेक करने के लिए थोड़ा रुक गए थे, ये वैभव स्टार्टिंग हाँ ही में कर तुम दिया तो था। थोड़ा सौरभ भैया GF से कब मिलवा रहे हो, बताओ सौरभ। अच्छा, अब लोगों की फ्रेशर पार्टी पूरी कैंसिल हो कुछ गई या फिर ऑनलाइन ही करवा दिया, पूरी नहीं, पूरा कैंसिल हो गई कुछ फ्रेशर पार्टी टाइप की। डाउट हाँ एक बच्चे का सुनो, उसने लिखा है, भैया एक डाउट है, अगर मेरा फेज वन में 67 आया है और मैंने पे कर दिया है 75K, बट मुझे स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट है, तो मैं फेज 4 दूंगा तो क्या होगा? उसको स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट है। फेज 4 देगा तो अगर बेस्ट ऑफ रिजल्ट लेंगे तो मिल सकता है स्कॉलरशिप। वो रैंक, स्कॉलरशिप रैंक पे डिपेंड करता है, परसेंटाइल पे नहीं। लास्ट में वो रैंक रैंक लिस्ट निकालेंगे, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलेगा। ये 1000 के अंदर तक को स्कॉलरशिप मिलता है, जो भी स्कॉलरशिप मिलता है अंडर 1000। लेकिन तू ओरिएंटेशन दिया था, अटेंड किया था पिछले हाँ साल? हम ओरिएंटेशन ज्वाइन किए थे, तो जिसमें दिखाया था जो जिसका इसका टॉप वो टेन स्कॉलरशिप दिया टॉप था। टेन टॉप टेन रैंक वालों को फ्री में पढ़ाते हैं, और अच्छा है ये 1000 के यूनिवर्सिटी अंदर का, वालों को 60,000 पर सेमेस्टर मिलता है, ऐसा कुछ। ये सही क्या, गलत गलत बात फैला रहा कि फ्रेशर पार्टी ऑनलाइन हुआ था जिसमें बहुत सारे एक्टिविटी किए किए थे, अरे उसका कुछ वैल्यू ही नहीं, नहीं है वो उसी कोई में फर्क फायदा है नहीं है, वो खुद ही होस्ट करके खुद करने में, वो फ्रेशर पार्टी थोड़े ना होता भाई। मतलब तुम अपना वीडियो मतलब ऑन करके तुम नाच लोगे तो हो गया पार्टी है। है। अच्छा ये जो सवाल पूछा है कि सौरभ भैया GF से कब मिलवाओगे, कभी नहीं, GF होगी तब तो मिलवाएगा। तेरे को मालूम ही जरूरी था ना बता। कोचिंग में पीछे बैठा करता था, शांत, हमसे भी नहीं ठीक मिलवाता था। ठीक 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 कोचिंग का बात यहाँ नहीं कोचिंग का बात नहीं, सौरभ दोस्त भैया जवाब दो भाई, CSE से CSE में कैसे चेंज करवाया, के। बता दो स्टार्टिंग सौरभ में भाई। जब हुआ था मेरा सिस्टम तो वो मेरे किट के एग्ज़ाम वाले पे था, लेकिन बाद में एक और ऑप्शन आया था JEE मेंस का मार्क्स, तो मैं उसमें फिर अप्लाई किया था। कोई भी चांसेस है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने का? इस सेमेस्टर तो नहीं है कोई चांसेस। फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही जाएगा, सेकेंड में कुछ बोल नहीं सकते हैं, हाँ वो वो इंडिया पे डिपेंड करता है क्या होता है क्या नहीं। हम लोग के भी टाइम पे यही होता था, जब एडमिशन लिए तो हुआ था कि नवंबर 2020 में होगा, फिर हुआ कि नहीं पूरा फर्स्ट सेमेस्टर जाएगा ऑनलाइन, फिर सोचे थे सेकंड सेमेस्टर ऑफलाइन होगा, लेकिन वो भी पूरा निकल गया ऑनलाइन, अब थर्ड सेमेस्टर भी हम लोग ऑनलाइन शुरू कर दिए। नहीं पढ़ा तो फर्स्ट ईयर में नुकसान होगा, नुकसान यही होगा भाई, ऑनलाइन में पढ़ना पड़ेगा। इतना 12th में थोड़ा इतना तो पढ़े ही होगे कि, अच्छा बोर्ड ही नहीं हुआ ना वही तो, बाकी। 12th भी तो लोग का ऑनलाइन ही निकला होगा, हाँ जो तो जो फर्स्ट, कुछ बोल नहीं सकते, अब जो कुछ पढ़े नहीं होंगे पूरे साल उनका तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। देखो हम लोग आएंगे कुछ नया पढ़ेंगे, फिर पहला दिन केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, बोले ये तो पढ़, फिर यही सब पढ़ना है। कुछ टॉपिक बस नया नया रहता है, चैप्टर सेम ही रहता है। मेल पे मैसेज आया है कि 12th के बोर्ड का मार्क्स पे एडमिशन लेंगे, अगर नहीं आया तो मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। वो तो ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हैं, तो फिर क्यों 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। ओके सो मेन क्वेश्चन कि किट में फर्स्ट ईयर में आपको कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाता है,
तो आपको फर्स्ट ईयर में, नहीं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, नहीं तो आपको सेकंड सेमेस्टर में, आपको सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, जैसे मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो फिर आपको एक सब्जेक्ट आएगा, वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। उस वो भी आपको सी लैंग्वेज में करवाया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा सी अपना अच्छा रखना है। उसके अलावा आपको सी प्लस प्लस भी पढ़ाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। रहे हैं अनुमान लगा के, लगता है रात तुम खाई हो मार, सो जाओ ना झंडू बाम लगा के।